नमस्कार, मैं विवेक टोकरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों। ताज नगरी आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती का 64वां जन्मदिन आगरा के GIC ग्राउंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मायावती के 64वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बसपा पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने 64 किलो का केक काटकर मायावती को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बहन जी ने जो अपने शासन काल में कार्य कर आए थे उनको लेकर कार्यक्रम का नाम जनकल्याणी रखा गया। जन्मदिन के मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों ने गरीब असहाय लोगों को कंबल भी वितरित किए। आज बहन जी का 64वां मनाया गया, क्या कुछ खास बात? रवि कहाँ गई हो मंच के पास? इस जन्मदिन पर खास बात ये रही कि हमको हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और भागीदारी इस कार्यक्रम में हमको बढ़ चढ़ करके मिली है। और इस अवसर पर हमको पुनः याद आती है 2005, 2006, 2007 की, कि जिस तरह से हम अपनी नेता जी का जन्मदिन मनाया गया, अपनी बहन जी के सम्मान और निर्देश के अनुसार हम लोग एक एक बात उनकी मान करके हम लोगों ने जिस तरह से भाईचारा पार्टी को तैयार किया, उसी तरह से हम लोग पुनः 2022 की तैयारी भाईचारा बना करके करेंगे। और फिर साथियों, हम अपनी नेता को साथियों सम्मान दिला करके प्रदेश की गति तक पहुंचाने का काम। कार्यकर्ताओं में विरोधाभास देखने को मिल रहा था इससे पहले तक, अभी क्या लगता है इसके बाद कुछ इसमें कोई भी? आज BSP में कोई विरोधी नहीं है, एक भी कार्यकर्ता, एक भी समाज, कोई भी विरोधी नहीं है। आज हर्षोल्लास के साथ सभी लोग, सभी समाज के लोग हमारे साथ लगे हैं और सबका संकल्प है कि हम पार्टी को मजबूती के साथ तैयार करेंगे और आने वाले समय में एक मजबूत चुनौती बहुजन समाज पार्टी देगी। हर बार की तरह केक कटने के दौरान इस बार भी अव्यवस्थाएँ देखी हैं क्या? ये तो लोगों की खुशी है और केक तो जो काटने में व्यवस्थाएँ रही हैं, लेकिन इससे वो संदेश नहीं जाता है कि कहीं पार्टी खाने पीने के चक्कर में है। ये तो वो पार्टी है जिसने जिनके कार्यकर्ताओं ने भूखा रह करके भी पार्टी के लिए काम किया है, तो हमारे लोग मुस्तैदी के साथ लगे हैं और अपनी नेता के सम्मान में क्या संकल्प लिया है? संकल्प यही है कि हम बहुजन समाज पार्टी को अपने जनपद से, अपने मंडल से मजबूती प्रदान कर 2022 में एक अच्छा रिजल्ट देने का काम हम लोग करेंगे।